नमस्कार। श्रद्धा और आस्था से परिपूर्ण वैष्णो देवी की यात्रा को जाने वाले हर श्रद्धालु की अभिलाषा होती है कि वह हर उस स्थान पर नमन करते हुए माता के दरबार तक पहुँचे जहाँ पर कभी माँ भगवती ने विश्राम किया था। गोलकंडोली, देवी माई, भूमिका मंदिर, दर्शनी ड्योढ़ी, बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुमारी हाथी मत्था, भैरव मंदिर आदि ऐसे पहाड़ हैं जो वैष्णो देवी यात्रा का प्रमुख हिस्सा हैं। लेकिन मौजूदा समय में अनदेखी के चलते इनमें से अधिकतर पड़ाव अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ वैष्णो देवी ने कन्या के रूप में भैरव का वध किया था तो उसे वरदान में कहा गया कि जो भक्त माँ वैष्णो के दर्शन के बाद भैरव मंदिर में माथा नहीं टेकेगा उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। जबकि मौजूदा समय में मात्र 30% तक ही दर्शनार्थी भैरव दर्शन के लिए जाते हैं। अधिकतर यात्रियों को भैरव मंदिर की महत्वता के बारे में जानकारी भी नहीं होती, अथवा कई को नए मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी पहुंचने पर ज्ञात होता है कि भैरव मंदिर का रास्ता दूसरी ओर से जाता है। ऐसे भक्तों को ना चाहते हुए भी भैरव मंदिर के दर्शन की इच्छा का त्याग करना पड़ता है। लेकिन शायद ही किसी को उस मंदिर के बारे में पता हो जहां माँ 5 साल की बच्ची के रूप में प्रकट हुई थी। इस मंदिर का नाम है गोलकंडोली मंदिर, जो जम्मू शहर से 14 किलोमीटर दूर नगर रोटा में है। ये मंदिर माता वैष्णो देवी को समर्पित है। इस मंदिर में माता एक पिंडी के रूप में स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा करता है तो उसे पहले इस मंदिर से अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। ये मंदिर माता वैष्णो जी का पहला दर्शन गोलकंडोली के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको इस मंदिर से जुड़े कुछ शब्दों का संदर्भ बताते हैं। कौल, महामाया महाशक्ति ने चांदी का कौल प्रकट किया था। कौंडली, महामाया महाशक्ति ने स्थानीय कन्याओं के साथ कौड़ियाँ खेली थी। नगरोटा, ये नगर पहले नागराज के नाम से विख्यात था और 13 कोस में बसा हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में वैष्णो माँ यहाँ पर 5 वर्ष की उम्र में कन्या के रूप में प्रकट हुई। माँ वैष्णो ने इस स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की तथा तपस्या वाले स्थान पर ही पिंडी रूप धारण किया। इस मंदिर में माँ स्वयंभू प्राकृतिक पिंडी रूप में भक्तों को दर्शन देकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ ने इसी स्थान पर स्थानीय कन्याओं के साथ गेंद, कौड़ियाँ खेली हैं और झूले झूले हैं। 12 साल की तपस्या के दौरान माता गोलकंडोली ने विश्व शांति हेतु हवन यज्ञ और भंडारे किए थे। महामाया ने 4 बार चांदी के कौल प्रकट किए थे। महामाया शक्ति ने 33 करोड़ देवताओं को चांदी का कौल प्रकट करके कौल के अंदर से 36 प्रकार का भोजन देवताओं को करवाया था। माता जी ने चांदी के कौल को जमीन पर हिलाया तो जमीन से पानी निकल आया और सबको पिलाया। उसी स्थान पर माँ के सेवकों ने कुआं बनाया और उसके कुएं का नाम माता जी का कुआं रखा। जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ तो पांडवों और उनकी माता कुंती को मालूम हुआ कि नागराज गांव में माँ निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। तब माता कुंती और पांडव यहां पर आए और माता कुंती ने माँ से मन्नत मांगी कि माँ, मेरे बेटों का अज्ञातवास खत्म हो जाए और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल जाए। तब महामाया ने कुंती से कहा कि पहले मेरा भवन बनाओ। तब पांडवों ने माता जी का ये भवन एक रात में बनाया था। इस मंदिर के परिसर में गंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग का भी मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव माँ का भवन बना रहे थे तब भीम ने बोला कि मातेश्वरी, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब महाशक्ति ने कहा कि बेटा, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। तब महामाया भवन के पीछे गई और चांदी का कौल प्रकट किया और कौल को घिसा। वहां पर आप शंभु गंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। वहां पर महाशक्ति ने कहा, जहां शिव होंगे वहां शक्ति होगी, जहां शक्ति होगी वहां शिव होंगे। शक्ति बिना शिव अधूरे हैं, शिव बिना शक्ति अधूरी है। शक्ति और शिव की पूजा करने से ग्रह शांत होते हैं। इस मंदिर के परिसर में माता जी का कुआं है।
इस कुएं का जल पीने से मन को शांति मिलती है। इस कुएं के जल को शरीर पर छिड़कने से शरीर शुद्ध हो जाता है। देवी मंदिर में सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, विशेषकर दुर्गा पूजा व नवरात्र के त्यौहार पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दिन मंदिर को फूलों व लाइट से सजाया जाता है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के दिल और दिमाग को शांति प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ के ऊपर अर्पण किए गए पुष्पों को विशेष विधि विधान से भस्म बनाकर उन भक्तों को दिया जाता है जो किसी प्रकार के चर्म रोग से ग्रसित हैं। इस भस्म को खाना और लगाना पड़ता है और वैष्णव भोजन करना पड़ता है। चर्म रोग ठीक हो जाता है। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद।